अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इंडिया ने लीड ले लिया साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज में और अब ये सीरीज हार नहीं सकते हैं। क्रेडिट जाता है तिलक वर्मा को क्योंकि सेंचुरी लगाकर पहले इनिंग में मैच खत्म कर दिया था क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत ही जबरदस्त खेले तिलक वर्मा, पहले संजू सैमसंग अब तिलक वर्मा। सेंचुरीज पे सेंचुरी लगती है, कोई भी सीरीज हो जाए एक आधी सेंचुरी तो लगती लगती है और इस सीरीज में दो तीन मैचों में दो सेंचुरी लग चुकी है। देखिए इंडिया के जो यंगस्टर हैं बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। एक तरफ तो इंडिया के जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो न्यूजीलैंड से मुंह काला करा के बैठ गए हैं और देखे जिस तरीके की उनकी वहां पर धुनाई की है न्यूजीलैंड ने, उनके सीनियर प्लेयर थे। लेकिन अगर यंगस्टर की बात करें तो वो जो वर्ल्ड चैंपियन का एक टैग उन पर इंडिया पे लगा हुआ है ना, उसको कैरी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन है। बेशक नई टीम है लेकिन वर्ल्ड चैंपियन टीम है। मुझे लगता है कि इंडिया के पास ना टीम बड़ी जबरदस्ती पहले से, लेकिन एक बोझ था, हम भी ताने देते थे कि यार 12 साल 11 साल आईसीसी ट्रॉफी। अब मुझे लगता है कि इनकी जो T20 ट्रॉफी है ना, ये इन्होंने ना पानी में घोल के पी ली है। अब इनका कॉन्फिडेंस ना खास तौर पे T20 क्रिकेट के अंदर बहुत ही ज्यादा हुआ हुआ है। देखिए तिलक वर्मा से उम्मीद लगाई थी आज आपने सेंचुरी की, सच बताइए भाई, बारियां लगाई हुई है इंडिया, बारियां लगी हुई है। एक परफॉर्म आज तू करेगा कल मैं करूंगा तरसो भाई तू करेगा, इस तरह की बैटिंग हो रही है कि यार एक दिन में एक प्लेयर करेगा दूसरे दिन दूसरा प्लेयर करेगा। ये सारा का सारा कॉन्फिडेंस जाता है मानी आईपीएल को। आईपीएल की वजह से ये T20 क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं, दुनिया भर में जाकर जबरदस्त खेल रहे हैं। इनकी जो स्ट्राइक रेट है ना मानी, ये 200 की स्ट्राइक रेट अब आराम से खेलते हैं। मैं बार बार बात करता हूं कि पाकिस्तान ने कल सुबह खेलना है अपना T20 मैच, हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो कि 150-140 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा खेल सके। लेकिन इंडिया के पास हर दूसरा ऐसा प्लेयर नजर आता है कि यार 200-180 की स्ट्राइक रेट तो मसला ही कोई नहीं है। आज अभिषेक शर्मा ने 25 बॉलों पर 50 कर दिया, तिलक वर्मा ने शायद 47 बॉलों पर 100 के करीब कर दिए, तो मानिए 200 की स्ट्राइक रेट इनके लिए मसला कोई नहीं बन रहा। और जब संजू सैमसंग ने दो अपने पिछले 100 किए वो भी 200 की स्ट्राइक रेट थी, जब सूर्य कुमार यादव मारते हैं वो भी 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो 150 की स्ट्राइक रेट तो इनके लिए कह लो कि एक मसला ही कोई नहीं है। ये 200 की बात करने लग गए। मैं यही बता रहा था कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ना कॉन्फिडेंस लेवल होता है यार। देखो अब वो कहते हैं कि यार जो करना है हमने करना है, जैसे होता है ना घर का कोई, एक मैं मिसाल जरा अजीब दूंगा, जब घर का बड़ा फौत हो जाए ना तो यार बच्चे कहते हैं यार हमने संभालना है, अब हमने घर चलाना है। ये जो है टीम चला रहे हैं और ये टीम भरपूर तरीके से चला रहे हैं, एक से एक भड़कर प्लेयर आते हैं और जिम्मेदारी से खेलता है। ये नहीं है कि यार वो कहता है कि यार मेरा पहला मैच है मैं जगह बना लूं टीम में, मैं 30 गेंदों पे 30 करके जगह बना लूं, 40 गेंदों पे, वो मेरा इनका मेरिट ही ये नहीं है। इनका मेरिट अगर कुछ 40 गेंदों पे चलो 50 करेगा ना, वो कहेंगे तू बाहर। ये इनका स्टैंडर्ड होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा, कंपटीशन इतना हाई है, स्ट्राइक रेट बढ़ा लेते हैं। बहरहाल पूरा क्रेडिट जाता है तिलक वर्मा को, साउथ अफ्रीका मैच में नहीं था और साउथ अफ्रीका आज मैच में नहीं था, 220 के टारगेट में वो शुरू से स्टार्ट में एंड तक पीछे थे, हर जगह पर शुरू में भी एंड पे भी वो पीछे ही थे। एंड पे आप कह लें कि मार्को जोनास ने थोड़ी होप दिलवाई लेकिन तब भी बहुत लेट हो गई थी। देखिए तीन मैचों की सीरीज में जो सेकंड T20 मैच है बड़े मुश्किल से साउथ अफ्रीका जीता है, बाकी जो इंडिया मैच जीता वो लग रहा था कि कन्विंसिंगली जीता है। आज आप कह लो कि मार्जिन 11 रन का नजर आ रहा है लेकिन ये मार्जिन 50-60 रन का था। ये जेनसन की इनिंग इनको बड़ा क्लोज लेके आई है, मानी पहले इनिंग में ही वो अपना काम तमाम करते थे। इंडिया की बैटिंग इतनी ज्यादा स्कोर बना, जब 220 स्कोर आप खा लेंगे तो दूसरी इनिंग में आगे बड़े कम चांसेस होते हैं कि आप इसको चेज कर सकें, मेरे ख्याल 10 में से एक दफा ही होता है। तो आप बैटिंग से इंडिया मारने लगे और बैटिंग वो इंडिया में नहीं कर रहा, इंडिया से बाहर कर रहा है। ये बात भी आपने गौर करनी है कि बाहर जाके भी इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त हो गई। वर्मा ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो ए टीम है थोड़ी सी बच गई है, देखें या कोई भी ए टीम हो, क्योंकि ए टीम के कप्तान थे तिलक वर्मा और उनसे वहां रन नहीं हुए थे अचानक से ना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने तिलक वर्मा को बोला यार ये क्या टीम में आ गया, ये तो ए टीम के खिलाफ नहीं कर सका, ये तो इमर्जिंग एशिया कप में कुछ नहीं कर पाया, आज उसने 100 लगा दिया। तो अचानक से प्लेयर आते हैं और अनएक्सपेक्टेड, आज मैंने इसका नाम तो किसी ने लिया होगा कि तिलक वर्मा 100 बना देंगे। आप संजू सैमसंग से उम्मीद लगा सकते हो, आप किसी भी प्लेयर, आप अभिषेक शर्मा से लगा सकते हो उम्मीद, और भी बड़े नाम है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तिलक वर्मा 100 बना। मैं तो शौक बैटिंग ऑर्डर में और शौक ना हो, बैटिंग ऑर्डर में उनका एक नंबर का चेंज किया गया उनके लिए वर्क हो गया, चौथा नंबर उनको रास आ गया। ये बात आप कह सकते हैं, नंबरिंग पे अगर बात की जाए तो उनको चौथा नंबर रास आया। और मानी इंडिया का मिडल ऑर्डर देखिए, सूर्य कुमार यादव, ये तिलक वर्मा, रिंकू सिंह की बात करें, रिंकू सिंह थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, रिंकू सिंह की तो बात करते हैं, लेकिन अब देखें जिम्मेदारी आ गई, थोड़ी जिम्मेदारी आई है पाकिस्तानी टीम पे। देखें अब इंडिया ने जीत लिया है, अब हमने 100 के उठना है तो दूसरा मैच चल रहा होगा पाकिस्तान का, यानी कि एक सोने का एक बस नींद का फर्क है, और आफ्टरनून में मैच है हमारा 1 बजे स्टार्ट होना है। ये ना हो कि पाकिस्तान, यानी कि हमने लेट सो के उठना है क्योंकि आफ्टरनून मैच है कल हमारा, 1 बजे में उठता हूं, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान का मैच मैं उठूंगा तो स्टार्ट होने वाला होगा। और पाकिस्तान को हर बंदा इस बार सीरियस ले रहा है, और सीरियस नहीं, पाकिस्तान को फेवरेट ले रहा है यहां पर। और यार आपको आवाजें लगने लग गई है, कह रहे हैं कि यार आपने
देखें दो लगातार सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीतनी है, टी ट्वेंटी भी लेके आनी है और ऑडियो तो ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं मानी, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, लेकिन इससे अच्छा चांस मिलेगा भी नहीं, चांस नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए जब जब पाकिस्तान फेवरेट हुआ है ना, पाकिस्तान के लिए हुआ है, जब जब पाकिस्तान अंडरडॉग हुआ है ना, पाकिस्तान अच्छा खेलता है, तो पाकिस्तान को फिलहाल फेवरेट ना ही बोलें, कल मैच होने दें, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की एक यंग टीम हमें लेके बैठना जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट करके ठंडा करके खाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अल्लाह हाफिज़।